हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, आपको याद होगा। तो वो था आपका चैप्टर 7 का पार्ट 1। ठीक है, क्या क्या हमने कवर किया था? इंट्रोडक्शन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, फिर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, टू एन इंडक्टर, टू अ कैपेसिटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई थी। ये सारी चीज़ें क्या थी? 4 मार्क के लिए। और उसके बाद हमने क्या देखा था? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें हम लोगों ने फेजर डायग्राम सॉल्यूशन देख लिया था, याद होगा। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, जाओ तुरंत ये पहले ये वीडियो देखो। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, बहुत काम आएगा। हर एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आना ही आना है। तो रेडी होते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए, जो बचे हुए 3 पार्ट हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे हम लोग रेजोनेंस, फिर उसके बाद पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर, और फिर ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो है अपना पार्ट 3 होगा, जो फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए। वहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहो, रेगुलर रहो, मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का क्लास। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट। तो उसमें क्या था? आया था आपका आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, जहाँ पे वी एम क्या था? मैक्सिमम वोल्टेज, आर क्या था? रेजिस्टेंस, एक्स सी क्या था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्स एल क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है? तो देखो, आप सबने झूला झूला होगा। हाँ, अब क्या होता है झूले का? क्या होता है? अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। अगर वही सेम फ्रीक्वेंसी मैं बाहर से अप्लाई करूँ, जो कोई भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वही अगर क्या हो, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी भी हो, तो क्या होगा? आप देखोगे झूले का डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है? मैक्सिमम होने वाला है। झूला क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेस कर जाएगा। तो इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, कई बार। तो आज जो है हम यही चीज किसके लिए देखेंगे? करंट के लिए देखने वाले हैं, एलसीआर सर्किट में। तो अब यहां पे क्या होना है? तो जब मैं कहूंगा कि जब मेरा रजिस्टर, जो इम्पीडेंस है, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल के होल स्क्वायर को हम कह रहे हैं इम्पीडेंस। तो ये अपना इम्पीडेंस है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो जब ये इम्पीडेंस अपना मिनिमम होगा, तो क्या होगा? आपका करंट जो है आई एम मैक्स होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं। तो ये इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा? इम्पीडेंस कब मिनिमम होगा? तो जब मेरा एक्सी क्या हो, एक्सी किसके इक्वल हो जाए? एक्सएल के। तो मैं लिखता हूं, व्हेन एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, जब एक्सी क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा एक्सएल के, तो आई एम बिकम्स आई एम मैक्स। बराबर, आई एम क्या हो जाएगा? आई एम मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है, इसका रेजोनेंस का आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जब फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस से हो रहा है। आप सबने शेरशाह मूवी देखी होगी। हाँ, तो उसमें भी क्या हो रहा है? शेरशाह मूवी में हीरो वॉकी टॉकी का यूज़ कर रहा है, जब वो पहाड़ पे ट्रैवल कर, मतलब पहाड़ चढ़ रहा है। हाँ, कारगिल वॉर चल रही है, उसमें हीरो जो है ग्राउंड से पहाड़ पे ऊपर जाना चाह रहा है। तो जब वो लोग आपस में वॉकी टॉकी में बात कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तानी आर्मी भी क्या हो पा रही है? इनकी बातें सुन पा रही है, इंडियन आर्मी की बात जो है पाकिस्तानी आर्मी सुन पा रही है। ये हुआ कैसे? वॉकी टॉकी वर्क कैसे करता है? तो वॉकी टॉकी कैसे वर्क करता है? वॉकी टॉकी का क्या होता है? अपना एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है जिस पे हम उसको सेट करते हैं। आप डिसाइड करो कि वॉकी टॉकी को किस फ्रिक्वेंसी पे रखना है, वो पूरा ग्रुप उस फ्रिक्वेंसी को सेट करेगा अपने वॉकी टॉकी में। उसके बाद जब उस फ्रीक्वेंसी पे कोई सिग्नल एमिट किया जाएगा,
तो सारे वॉकी टॉकी पे क्या होगा वो सुनाई देगा, ठीक है। पर वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक ड्रॉबैक है कि उसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक ही बंदा बोल सकता है या एक टाइम पे एक ही बंदा सुन सकता है। इसी के लिए आप देखोगे जब भी वॉकी टॉकी का यूज होता है तो क्या होता है, उसमें ओवर ओवर बोलते रहते हैं। एक बंदे ने अपनी बात कही, उसके बाद वो बोले ओवर, फिर दूसरे बंदे ने अपनी बात कही, वो क्या बोलेगा ओवर, तब सामने वाला बंदा बोल पाएगा। जब एक बंदे ने ओवर बोला तब सामने वाला बंदा बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है। फिर अब फोन भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस के फिनोमेना पे काम करता है। इसमें क्या होता है, दोनों एक साथ बोल सकते हैं, ये एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, ठीक है। सो अब और भी है फिनोमिनाज इसके यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे आपका रेडियो है, रेडियो भी किस पे काम कर रहा है, रेजोनेंस के फिनोमिना पे ही काम करता है, ठीक है। तो आप वापस से टॉपिक पे बात करते हैं। तो जब मेरा जब एक्सी और एक्सएल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब क्या होगा, करंट क्या बन जाएगा, आई एम मैक्स। तो आई एम क्या होने वाला है, हाँ वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। इसको क्या कर सकता हूं मैं, प्लस एक्सी एक्सएल की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्सी होल स्क्वायर। तो जब एक्सएल की जगह कौन आ गया, एक्सी आ गया, तो आई एम क्या बन जाएगा, आई एम मैक्स। आई एम क्या बन जाएगा मेरा, आई एम मैक्स। और हमें क्या मिलेगा, आई एम मैक्स इज इक्वल टू वी एम अपॉन ये चीज, ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये क्वांटिटी अपनी हो जाएगी जीरो। तो बचा क्या, सिर्फ अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर तो मिलेगा क्या, वी एम बाय आर। ये क्या होगा आपका, मैक्सिमम करंट। अब देखो यहां पे आप कहोगे कि एक्सी और एक्सएल कैसे इक्वल हो गए, एक्सी और एक्सएल इक्वल कैसे हो गए। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो है, हाँ अब एक्सी क्या था, वन अपॉन ओमेगा सी, और वन अपॉन ओमेगा सी मतलब वन अपॉन टू पाई न्यू सी, न्यू बोलो या एफ बोलो, ठीक है। तो ये है अपना एक्सी, ठीक है। सेम ऐसे ही एक्सएल क्या था भाई, एक्सएल था ओमेगा एल, जो किसके इक्वल है, टू पाई न्यू एल, बराबर। तो ये क्या होगा, ये होगा अपना एक्सएल टू पाई न्यू एल। तो अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूं। तो जब फ्रीक्वेंसी वैरी करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सी और एक्सएल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और रेजोनेंस जो है उसी सर्किट में पाई जा सकती है जहां पे क्या है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों है, समझे। जहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों है सिर्फ उसी सर्किट में क्या मिलेगा आपको, रेजोनेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर सर्किट में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, नहीं देखने मिलेगा, जहां पे दोनों होंगे बस वहीं पे आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम करते हैं। अब तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, फिनोमिना ऐसे लिखते हैं कि व्हेन ओमेगा बिकम्स ओमेगा नॉट, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी ओमेगा नॉट, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो एक्सी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सएल के, बराबर। तो लिखो एक्सी मींस वन अपॉन ओमेगा नॉट सी, एक्सएल मींस ओमेगा नॉट एल। ये दोनों इक्वल कब हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल कब हो रहे हैं भाई, जब ओमेगा इक्वल है ओमेगा नॉट के, तब एक्सी इक्वल है किसके, एक्सएल के। तो अब ओमेगा नॉट इधर डिवाइड में, हाँ इक्वल टू के उस साइड भेजो, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन सी, और एल इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजो, आ गया। और ओमेगा नॉट उधर गया, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट क्या मिल रहा है भाई, अरेंज करता हूँ, ओमेगा नॉट वन अपॉन अंडर रूट एल सी। ये क्या है अपना, ये है अपना सोर्स रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, समझे। ये क्या अपना सोर्स रेजोनेटिंग
फ्रीक्वेंसी, इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको आप लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या होगा, हाँ ओमेगा नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2πf0, हाँ या फिर न्यू नॉट, जो आपको पसंद आए, न्यू बोलना चाहे तो न्यू बोल, हाँ, और एफ नॉट बोलना चाहो तो, मतलब आपके आपके ऊपर है, न्यू और एफ दोनों ही क्या है फ्रीक्वेंसी, आप क्या यूज करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो एफ नॉट क्या होगा, एफ नॉट होगा अपना 1/2π√LC, ये होगा आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर लीनियर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है आपका रेजोनेंस, ठीक है, ध्यान से एक बार अच्छे से, चाहे तो जिसने अगर स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं ये पार्ट बता दे रहा हूँ, पहला ये पार्ट है, हाँ ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर ये सेकंड पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मूव करते हैं अब, हाँ इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि रेजोनेंस का ग्राफ कैसा बनता है। तो अगर आप करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हो, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हो, तो आप क्या देखोगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, हाँ ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, जिसमें ये वाला पॉइंट क्या है, ओमेगा नॉट, बराबर, यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है, इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा है, जैसे जैसे ओमेगा वेरी कर रहा है, ओमेगा चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका करंट चेंज होते जा रहा है। पर एक टाइम पे क्या होगा, करंट क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमा, करंट क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आई एम मैक्स। और ये कब मिलेगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा नॉट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर जब हो जाएगी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसमें एक और टॉपिक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये देख रहे हो अभी ये क्या है, शार्प नहीं है, एकदम से शार्प नहीं है, इसको आप शार्प बनाना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, कुछ ऐसे एकदम शार्प बनाते हैं। सो देखो जितना ज्यादा शार्प होगा, ये जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना अच्छा क्या होगा आपका, मतलब अगर मैं कोई एप्लीकेशन से समझाना चाहूँ, जैसे रेडियो है, हाँ अब रेडियो में क्या होता है कि एक आरजे है वो क्या कर रहा है, 98.6 FM पे फ्रिक्वेंस, मतलब क्या कर रहा है, डेटा एमिट कर रहा है, ठीक है, वो सॉन्ग चला रहा है, न्यूज़ चला रहा है, जो भी है, अगर उसने 98.6 FM पे वो क्या किया है, उस चीज़ों को भेजा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब रेडियो को मैं ट्यून करूंगा सेम 98.6 में, तभी क्या होगा, मुझे वो डेटा सुनाई देगा, वो सारी चीज़ें सुनाई देगी जो वहाँ से आ रहा है। और जितना ज़्यादा शार्प होगा रेजोनेंस उतना ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। आप 98.4 लगाओगे तब भी सुनाई देता है, कभी आपने एक्सपीरियंस करना है, वैसे तो ये जनरेशन ने रेडियो देखा नहीं है ज़्यादा, हाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, अभी भी बहुत सारी जगहों पे रेडियो यूज़ हो रहे हैं, इवन अमेरिका में भी आप देखोगे कि रेडियो क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में ऑलमोस्ट हर रोज़ जो है, हाँ हर रोज़ क्या हो रहा है, हजारों लोग जो है रेडियो को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बस। सो ये है अपना रेजोनेंस का ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, क्या है पावर इन एसी सर्किट, तो पावर इन एसी सर्किट जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी क्या है आपका 4 मार्क के लिए, ठीक है। तो आपने एसी सोर्स देखा, हाँ एलसीआर के लिए, हाँ वी क्या था, वीएम
साइन ओमेगा टी, वोल्टेज क्या था वीएम साइन ओमेगा टी, वह और करंट क्या आया था आपका आई आया था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यह आया था करंट। अब मुझे पावर खोजना है, तो पावर कैसे होगा, तो पावर होगा आपका P इज इक्वल टू वी आई, वी क्या आता है वी एम साइन ओमेगा टी, आई क्या है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर है, इसको मैं अलग ब्रैकेट में रखता हूँ। तो अब क्या करें, इसको अरेंज करूँ, मैं अरेंज करूँगा तो क्या होने वाला है, ये बिकम्स वी एम आई एम, जो जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और जिसका एंगल छोटा है उसको बाद में लिख रहा हूँ। तो ये क्या है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, क्लियर है। अब ये देखो ये क्या है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आप लोगों ने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेवेंथ में, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मैं बस एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी इसके आठ फॉर्मूलेज बनते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला कैसा है, तो है कुछ इस तरीके का, अगर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, हाँ तो इसको क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, टू साइन अल्फा साइन बीटा है, तो टू साइन अल्फा साइन बीटा है, तो फॉर्मूला कैसा बनता है आपका, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा हाँ माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक रहा है, टू साइन अल्फा साइन बीटा है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, याद रखोगे। जहाँ पे अल्फा क्या होता है जनरली बड़ा एंगल होता है, यहाँ पे आप अल्फा छोटा ले लो बड़ा ले लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, तो अब इसी फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, जो अभी हम कर रहे थे उसमें, सो लेके आते हैं इसको आगे, हाँ सो ये देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी है, ठीक है, एक सेकेंड, तो ऐसा ये फॉर्मूला देखना है कि आपको, चलो फॉर्मूला भी दिख रहा है ये भी है। तो अब क्या करता हूँ, अगर मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड, कोई दिक्कत, वी एम आई एम बाय टू, यहाँ पे क्या होगा टू साइन अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना आपका साइन अल्फा माइनस बीटा मीन्स ओमेगा टी, सॉरी साइन नहीं कॉस, कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा, पावर है, पावर किसके इक्वल है, ओ सॉरी एवरेज नहीं अभी नहीं अभी नहीं, सो पावर है आपका वी एम आई एम बाय टू माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी गया, तो बचा क्या सिर्फ कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब क्या करता हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, एवरेज पावर चाहिए, एवरेज पावर चाहिए, तो क्या होगा वी एम आई एम बाय टू, जो कांस्टेंट है उसका एवरेज होना है क्या,
नहीं, कांस्टेंट का एवरेज होता नहीं, तो कॉस फाई का एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है वो। वेरी कौन कर रहा है ये, कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब क्या होना है, कॉस की पावर क्या है, वन है। जब पावर ऑड है, पावर ऑड है तो उसका एवरेज क्या आएगा, जीरो। तो पावर बचा क्या, वी एम आई एम बाय टू कॉस फाइव, बराबर सिर्फ कॉस फाइव। हाँ ये तो हो गया आपका जीरो। अब इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं। हाँ थोड़ा वीडियो पॉज करके लिखते जाना, जरूरी है। हाँ और मैं एकदम क्लियर बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ चाहे तो छोटा भी लिख सकते हैं पर उसमें उतना क्लियरिटी नहीं होगी। तो ये क्या होगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, वी एम बाय रूट टू आई एम बाय रूट टू कॉस फाइव, कोई दिक्कत। वी एम बाय रूट टू क्या है, वी आर एम एस। आई एम बाय रूट टू क्या है, आई आर एम एस। और ये है अपना कॉस फाइव। तो ये क्या है अपना पावर, ठीक है। जहां पे कॉस फाइव को हम क्या बोलते हैं, कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर, बराबर। कॉस फाइव को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये है अपना पावर, याद रखोगे, ठीक है। किसके लिए, एकदम जनरल है ये। हाँ एलसीआर सर्किट के लिए, सबके लिए। अब इसमें ही हम लोग क्या करते हैं, केसेस देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो केस क्या है, हाँ ये इसको इधर रखो, हाँ ये दिख रहा है पावर वी आई कॉस फाई। तो केस वन, केस वन, फोर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो देखो, तो वहां से तुमको समझ में आएगा। तुमको मैं याद दिला दूं कि वी एम, वी क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी रेजिस्टेंस के लिए, और करंट का एक्सप्रेशन क्या था, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों ही क्या थे, दोनों के लिए एंगल क्या है, ओमेगा टी मतलब दोनों ही क्या है, सेम एंगल वाले, मतलब इन फेज है, इन फेज है। तो पावर क्या होगा, हाँ मतलब फाई क्या था, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो, ठीक है। तो पावर में रखो, पावर क्या है, वी आई कॉस जीरो, बराबर। तो पावर क्या आ रहा है, वी आई वन। वी क्या है, वी है अपना आई आर, यहीं पे लिखता हूँ, चलो दिख जाएगा, आई आर इंटू आई। तो पावर क्या आया भाई, पावर आया आई स्क्वायर आर। क्या आया पावर, आई स्क्वायर आर। तो पावर कितना वेस्ट हुआ, अक्रॉस रजिस्टर आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब बात करते हैं केस टू की। केस टू क्या है, फोर प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। सो प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव के लिए क्या था, तो वहां पे क्या था, फाइव जो था वो क्या था, 90, ठीक है। फाइव क्या था, 90, फेज डिफरेंस क्या था, 90 था। एक में क्या था, करंट जो है 90 पीछे चल रहा था, और एक में करंट क्या था, 90 आगे चल रहा था। मतलब इंडक्टर में करंट क्या था, 90 डिग्री पीछे चल रहा था, लेग्स बिहाइंड, और कैपेसिटर के लिए क्या था, 90 डिग्री आगे चल रहा था, बराबर। तो इसमें पावर क्या होगा, वी आई कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। ये हो गया दो केस, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट केस थ्री, फोर सीरीज
एलसीआर, बराबर। सीरीज एलसीआर के लिए क्या होता है? तो देखो पावर क्या है, वी आई कॉस फाइव एवरेज पावर है, चाहे तो आप एवरेज का सिंबल बनाते जाओ, ठीक है। पावर क्या है, वी आई कॉस फाइव। अब यहाँ पे जो है, हाँ, इंडक्टर के अक्रॉस पावर क्या वेस्ट होना है, जीरो। कैपेसिटर के अक्रॉस पावर क्या डेवलप होना है, जीरो। लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1/4 साइकिल में पावर एब्जॉर्ब करता है, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में क्या करता है, पावर रिलीज करता है। तो ऐसे ही उसका पैटर्न चल रहा है, हर 1/4 साइकिल में एब्जॉर्ब करेगा, फिर नेक्स्ट 1/4 साइकिल में रिलीज कर देगा, तो नेट पावर क्या रहना है, जीरो। तो यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पावर डेवलप होगा नहीं, पावर डेवलप किसके अक्रॉस होना है फाइनली, रजिस्टर के अक्रॉस ही, रजिस्टर के अक्रॉस ही। पर होगा क्या, तो यहाँ पे जो है फाई क्या है, फाई खेल करेगा। हाँ, फाई क्या आया था, टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, बराबर। तो यही पावर जो है पी वी आई कॉस फाई की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और पावर, ये सारा पावर किसके अक्रॉस डेवलप होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस, किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, समझे। पावर डेवलप्ड अक्रॉस रजिस्टर, और लिख देते हैं पूरा इसको, ओहो एक सेकंड, पावर डेवलप्स अक्रॉस रजिस्टर आर, ठीक है। नेक्स्ट केस और लास्ट, ठीक है, लास्ट केस क्या है, केस 4, रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस के लिए क्या होना है, तो अब मैं जान रहा हूँ रेजोनेंस में क्या था, हाँ रेजोनेंस में था एक्सी किसके इक्वल था, एक्सएल के, तो पावर क्या था, वी आई कॉस फाई, बराबर। पावर क्या था, वी आई कॉस फाई, जहाँ पे हाँ फाई क्या होना है, अगेन टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सी, दोनों इक्वल है ना भाई, देख रहे हो फाई का फॉर्मूला एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, तो एक्सी माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सी माइनस एक्सी जीरो, जीरो बाय आर इज जीरो, टेन इनवर्स जीरो क्या होना है, जीरो। तो फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, तो पावर क्या आएगा, हाँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे पावर क्या आएगा, वी आई कॉस फाई की जगह जीरो, मीन्स वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई आर इंटू आई इंटू वन, तो आया क्या पावर, आई स्क्वायर आर, ये है आपका पावर, एवरेज पावर एट रेजोनेंस, कब है ये एट रेजोनेंस, क्लियर है। तो ये है आपका पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ट्रांसफार्मर की, ठीक है। सो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप सबने हाँ देखा होगा, हर एक सोसाइटी के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर करता क्या है जनरली, ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, हर एक सोसाइटी के बाहर ये कर क्या रहा है। तो ट्रांसफार्मर जो है, आप देखोगे घर में क्या आ रहा है करंट, मतलब घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, 220 वोल्ट है एसी मेंस, और बाहर जो है वो क्या है, 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट है।
तो अब ये 440 वोल्ट को कन्वर्ट करने का ही काम कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर करता है। सबने चार्जर देखा होगा, चार्जर जो इतना बड़ा होता है उसके पीछे रीजन क्या है? चार्जर का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? तो चार्जर का सबसे मेन कंपोनेंट क्या आपका? ट्रांसफॉर्मर है। अब घर में क्या आ रहा है? 220 वोल्ट एसी मेंस, पर आप देखोगे चार्जर के ऊपर लिखा रहता है पावर रेटिंग के टाइम में कि वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ठीक है, यही लिखा रहता है 5-9, करंट लिखा रहता है 1-2 ऐसे कुछ एम्पियर में। तो ये क्या है? मैं दे तो रहा हूँ पावर, मतलब चार्जर को जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एसी मेंस से, उसको मिल रहा है 220 वोल्ट, पर ये क्या शो कर रहा है? हाँ, ये शो कर रहा है आपका कि चार्जर के आउटपुट मिलेगा आपको 5 वोल्ट 10 वोल्ट। कैसे? तो उसके अंदर कौन है? ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का यही काम है, वो क्या करता है कि वोल्टेज को घटाएगा या बढ़ाएगा। कैसे? वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसीलिए आप देखोगे हर सोसाइटी के बाहर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है कि बाहर से 440 वोल्ट आ रहा है, पर घर में क्या जाना चाहिए? 220 वोल्ट जाना चाहिए। पर घर में अगर कभी क्या हो गया, 220 वोल्ट से ज़्यादा करंट आ गया, मतलब 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो क्या होगा? आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? बर्न हो जाएंगे। ऐसा चाहते हो क्या बर्न हो जाए? नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत यूज़ है इसके, हाँ, पर बाद में देखेंगे कभी उसको, अभी के लिए। हाँ, ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर सबसे पहले तो वर्क करता है किसके लिए? एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। दूसरा वर्किंग जो है ट्रांसफार्मर का, हाँ, ये किसके वर्किंग प्रिंसिपल किसके ऊपर है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। अब इसमें हो क्या रहा है? तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, बराबर। ये है अपना सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। अब क्या करता हूँ मैं, इसके ऊपर वायर वाउंड करता हूँ। इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं? वायर वाउंड करता हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर है जे वाले के लिए, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, ये वायर थिन है और ये वायर थिक है, क्यों ऐसा? हाँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं, पर अभी नहीं। तो देखो जिससे आप क्या करते हो, हाँ, जिससे आप क्या करते हो, इनपुट देते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। जिससे इनपुट मिल रहा है वो क्या है? प्राइमरी। और जिससे आउटपुट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बहुत इजी तरीके से आपको मैं ट्रांसफार्मर आज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्या होता है 4 मार्क के लिए देखा गया। तो हाँ, 4 मार्क या 3 मार्क में पूछे जाने का बहुत हाई चांस है इसका, याद रखना। तो अब देखो, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। काम किसके ऊपर कर रहा है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। हो क्या रहा है, जब मैं करंट अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, जब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो क्या है कि यहाँ पे अब ये कॉइल दिख रहा है, हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर है। अब यहाँ से प्राइमरी में करंट अप्लाई करोगे तो क्या होना, ये इंडक्टर है, वाइंडिंग है, मतलब क्या, इंडक्टर है। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, ये एक सेकेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और जाके ये किससे कंबाइन हुआ, सेकेंड कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जाके किससे कंबाइन हो गया, सेकेंडरी कॉइल से। तो अब इसमें भी क्या हो गया, फ्लक्स जनरेट हुआ, इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। और जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होगा। जैसे जैसे यहाँ पे करंट वेरी करेगा, इसके पास क्या होना है, करंट वेरी करेगा, तो क्या होगा, वैसे जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बोलोगे कि भाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा,
समझ रहे हो कि नहीं। लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जब भी हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो क्या होता है, ईएमएफ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तब क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। सो मूव करते हैं इसके ऊपर भी। सो कलर चेंज कर लेते हैं वापस से। हाँ तो अब तो ट्रांसफार्मर है दो टाइप के। पहला टाइप है स्टेप अप, दूसरा है स्टेप डाउन। क्लियर है, ट्रांसफार्मर क्या है दो टाइप के, एक है स्टेप अप दूसरा है स्टेप डाउन। ओ कलर इसका सेट करना पड़ेगा, एक सेकेंड जस्ट। हाँ सेम कलर हुआ। हाँ स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। तो ये अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ये क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो टाइप है इसके जनरली। तो हो क्या रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो देखते हैं। तो जब भी क्या होगा, आप लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हाँ सप्लाई क्या मिल रहा है लो मिल रहा है, और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है हाई वोल्टेज मिल रहा है, अप हो रहा है इंक्रीज हो रहा है मतलब अप हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक है। और जब इनपुट लो होगा ठीक है, और सॉरी इनपुट हाई होगा और आउटपुट क्या मिलेगा लो मिलेगा, तो डाउन हो रहा आउटपुट। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलेंगे। तीसरा टाइप भी होता है जिसमें जो इनपुट मिल रहा है वही आउटपुट भी है, तो उसका हमें यहाँ पे कोई जनरली यूज नहीं है। तो अब क्या है, हाँ पहले बात करते हैं किसकी, स्टेप अप। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जनरेट होने वाले ईएमएफ की। तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी ये क्या होना है, माइनस एनपी डी फाई बाय डी टी। सेम ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी क्या होगा, माइनस एनएस डी फाई बाय डी टी। यही है वोल्टेज डेवलप अक्रॉस इंडक्टर, ये इंडक्टर ही है ना दोनों, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। तो इस ईपी और ईएस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ईपी और ईएस को, कि ये क्या है वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी माइनस एनपी डी फाई बाय डी टी। सेम वीएस क्या है, माइनस एनएस डी फाई बाय डी टी। क्लियर है। तो अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होना है, तो जैसा हम जान रहे हैं कि ये है आपका सेकेंडरी वोल्टेज वी एस माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी, और वी पी क्या था, प्राइमरी वोल्टेज क्या था, माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो कैसे, ये है अपना एक सेकेंड वी पी इक्वल टू, तो अब होगा क्या, डी फाई बाई डी टी कैंसिल, ठीक है। आया क्या वी एस बाई वी पी, ये क्या आया माइनस, और माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो आएगा क्या सिर्फ एन एस बाई एन पी। वी एस बाई वी पी क्या है आपका एन एस बाई एन पी। क्लियर है। हाँ तो अब देखो, अब अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ तो ये सारा खेल किसका है, नंबर ऑफ टर्न्स का। जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, अगर मैं बोलता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या है, आउटपुट क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए देन इनपुट। तो क्या बोलता हूँ, वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी शुड बी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वी एस बाई वी पी क्या है, ग्रेटर देन वन है। वी एस बाई वी पी ग्रेटर देन वन है। ओह क्या हो रहा है, वी एस बाई वी पी ग्रेटर देन वन है। तो आया क्या, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज हायर
वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी सेम एज एन एस बाय एन पी ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब एन एस क्या है ग्रेटर है किस से, एन पी से, एन एस क्या है ग्रेटर है एन पी से। नेक्स्ट तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सो ये देखो, ये है अपना ट्रांसफार्मर, इसके पास है दो वाइंडिंग, दिख रहा है दो वाइंडिंग दिख रहा है। तो ये है अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या होगा, आउटपुट क्या होना है ज़्यादा होना है, इनपुट क्या होना है कम होना है। तो जब आउटपुट ज़्यादा है, हाँ, तो जहाँ पे आउटपुट ज़्यादा है वहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है भाई, ज़्यादा है। तो अब देखो, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग वायर जो है वाइंडिंग के लिए यूज़ की गई वो क्या होगी, पतली होगी, थिन होगी। और जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे इनपुट कम, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे वोल्टेज कम होगा वहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, पर वायर क्या होगा बहुत ठीक होगा। दिख रहा है दोनों में डिफरेंस, ये वाला थिन है ये वाला क्या है ठीक है। तो हो रहा है क्या कि ये है प्राइमरी और ये क्या है सेकेंडरी, ये क्या है सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होना है, ये दिया मैंने इनपुट और यहाँ से क्या मिला मुझे आउटपुट, यहाँ से क्या मिला मुझे आउटपुट, क्लियर है। तो ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे वोल्टेज कम है, जहाँ पे वोल्टेज कम है वहाँ पे वाइंडिंग क्या है कम है, और जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पे वाइंडिंग क्या है ज़्यादा है। पर अब इसका मतलब क्या है, वोल्टेज कम हो गया वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो क्या पावर भी कम ज़्यादा होगा, नहीं, पावर क्या रहना है चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, पावर क्या होना है दोनों जगह पे सेम रहना है। नहीं तो ऐसा हुआ कि आपको आया जो भी पावर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कम मिल रहा है, और आप पैसा जो बिल जो भर रहे हैं वो क्या भर रहे हैं ज़्यादा के लिए भर रहे, ऐसा चलेगा आपको, नहीं चलेगा। तो इसी के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, जो आ रहा है पावर वो क्या रहे सेम रहे, ठीक है। तो उसके लिए होगा क्या, तो आई पी वी पी शुड बी इक्वल टू आई एस वी एस। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, ये है आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू वी एस बाई वी पी, बराबर। इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, अब ये देखो, ये जो अपना इक्वेशन दिख रहा है ये वाला, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू क्या है वी एस बाई वी पी, विच इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, एन एस बाई एन पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर, हाँ, अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो क्या होगा यहाँ पे एन एस क्या होगा ग्रेटर होगा एन पी से, वी एस क्या होगा ग्रेटर होगा वी पी से। पर यहाँ पे देखो आई पी बाई आई एस है, इसका मतलब आई पी बाई आई एस क्या है ग्रेटर देन वन है, मतलब आई पी शुड बी ग्रेटर देन आई एस, ध्यान दे रहे हो। तो जब प्राइमरी वोल्टेज कम होगा तो प्राइमरी करंट क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ऐसा कहूँ कि मैं प्राइमरी वोल्टेज बढ़ रहा है, सॉरी सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, मतलब आउटपुट में क्या होगा वोल्टेज बढ़ेगा। जब आउटपुट में वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट में करंट क्या होगा घट जाएगा, ठीक है। ये अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, रेगुलर मतलब मेरे साथ लिखते जाओ, समझ में आएगा पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि अब जो है आउटपुट क्या होगा डाउन हो जाएगा और इनपुट क्या होगा हाई रहेगा। तो अब वापस से वही लॉजिक है, जहां पे क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वहां पे वोल्टेज क्या है भाई ज्यादा है, और जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहां पे वोल्टेज
कम है, ये डाउन है, मतलब आउटपुट में क्या है, वोल्टेज कम है, जहां वोल्टेज कम है वहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है मतलब वायर क्या है, थिक है, जाड़ी है, तो आउटपुट में क्या है, वायर थिक होगा और नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, इनपुट में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और वायर क्या होगा, थिन होगा, क्लियर है। तो अब वापस से मैं ऐसे कहूं, वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस, अभी डिराइव किया था। हाँ ये क्या है, लेस देन वन है, स्टेप डाउन है ना, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज क्या होना है, कम होना है, तो देखो होगा क्या, वी एस बाय वी पी लेस देन वन, मतलब वी एस शुड बी लेस देन वी पी, एन एस बाय एन पी लेस देन वन, इसका मतलब क्या है, एन एस शुड बी लेस देन एन पी, नेक्स्ट आई पी बाय आई एस लेस देन वन, इसका मतलब क्या है, आई पी शुड बी लेस देन आई एस, क्लियर है। तो ऐसा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में कि आउटपुट क्या होगा, कम होगा, जब आउटपुट वोल्टेज कम होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, तो देखो आउटपुट करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे क्या होना है, पावर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के अक्रॉस ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस, तो जब वी एस घट रहा है तो आई पी बढ़ रहा है, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, ये क्या है अपना वी पी है, सो आई पी वी पी, तो जब वी पी एक कम है तो आई पी ज्यादा है, और जब वी एस ज्यादा है तो आई पी आई एस कम है, इसका उल्टा, उल्टा क्या है इसका, आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस, तो जब हाँ जब मैं कहूं कि सेकेंडरी वोल्टेज कम है, जो अभी हमने देखा स्टेप डाउन के लिए सेकेंडरी वोल्टेज कम है, दिख रहा है, तो क्या है, सेकेंडरी करंट ज्यादा है, और यहां पे क्या था, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा था, तो प्राइमरी करंट कम था, ठीक है। तो यह है ट्रांसफार्मर, पर ये सब होता है किसके लिए, ये सब होता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें कोई भी पावर वेस्ट नहीं हो रहा, कोई भी लॉस नहीं हो रहा, पर ऐसा होता है कि रियल लाइफ में नहीं, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है, जैसे वाइंडिंग का क्या होता है, रजिस्टेंस होता है, वाइंडिंग का रजिस्टेंस होता है, तो ये क्या करता है, खुद कुछ पावर वेस्ट कर देता है, तो जो हम इनपुट में दे रहे हैं वो आउटपुट में मिलता नहीं है। दूसरा इसका लॉस क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस जो आप लोग फिफ्थ चैप्टर में पढ़े होंगे, हाँ, या फिर मैं ऐसा कहूं कि जब हम किसी चीज को मैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होता है, अब वापस से उसको डीमैग्नेटाइज करोगे तो सेम एनर्जी मिलेगी नहीं, ठीक है। दूसरा फ्लक्स लीकेज, जो हम इसमें कह रहे हैं कि फ्लक्स कोई लीक नहीं हो रहा, तभी तो क्या है, दोनों में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या है, सेम है ना, पर ये भी होता नहीं है, फ्लक्स क्या होता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक होते हैं। तो आज ये चैप्टर का पार्ट टू खत्म हो रहा है, आपने देखोगे पार्ट वन पार्ट टू में मैंने सारे डेरिवेशंस थियरी कंप्लीट की, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा जल्दी, जो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी, जिसमें आप देखोगे कि मैं सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कवर करके दे दूंगा आपको, ठीक है। तो रेगुलर रहो, देखते रहो, हाँ 100% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा, कहीं नहीं गए आपके इस चैप्टर से आने वाले 10 मार्क के क्वेश्चंस, 10 मार्क तो आने ही आने हैं इस चैप्टर से, और 10 मार्क पूरे पूरे आपके जेब में होंगे, 1 मार्क भी इधर उधर जान नहीं दूंगा, बस रेगुलर रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।